ओडिशार राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय, केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास औद्योगिक मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय, अखिल भारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार महोदय, ओडिया अध्ययन और गवेषणा संस्थान अध्यक्ष श्री अवसर बेउरिया महोदय, गणमान्य अतिथिवृंद, जनप्रतिनिधिगण, भद्र महिला और भद्र व्यक्तिगण, आज भारत सरकार शिक्षा विभाग केतोटी गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजना यथा ओडिया भाषा लिखित इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तक, वैषयिक शब्द संकलन एवं ई कुंभ पोर्टल रो लोकार्पण करी मु अत्यंत आनंदित। केन्द्र शिक्षा विभाग यह एक प्रेरणादायक पदक्षेप, यह द्वारा शिक्षा समस्त पाखे पहुँचवा संभव हेबो। एपरी गुरुत्वपूर्ण परियोजना गुड़िकर कार्यकारिता मु केन्द्रमंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांको पूरा टीम को धन्यवाद जनाउछि। आनंदर कथा, जातीय शिक्षा नीतिर अंश स्वरूप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ओडिया भाषा रे इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तक प्रकाश करिछन्ति। बंधुगण, आपण माने जानते जे स्थानीय और आंचलिक भाषा रे शिक्षा देबा पई जातीय शिक्षा नीति 2020 रे गुरुत्व आरोप करा जायछि। अष्टम ग्रेड और तत्परवर्ती ग्रेड गुड पर्यंत बा अति कमरे पंचम ग्रेड पर्यंत मातृभाषा शिक्षादान दिजा उचित बोली उल्लेख रही। मातृभाषा सावलीर बौद्धिक विकास रे जे सहायक यह कह बाहुल्य मात्र। आम छात्र छात्री माने मातृभाषा शिक्षा लाभ कले भितर गभीर चिंतन और विश्लेषणात्मक दक्षता वृद्धि पाइब। यह उभय सहरांचल और ग्रामांचल छात्र छात्री मान समान सुविधा सुजोग प्रदान करिवो। कमिशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी द्वारा 50,000 वैषयिक शब्दर ओडिया भाषांतर होइथिबा मु जानिबाकु पाइली। यह भविष्य रे छात्र छात्री को पाठपढ़ा को सुगम करिवो। सेथिपाई ई कुंभ पोर्टल भारतीय भाषा गुड़िक ज्ञानर द्वार उन्मुक्त करिवो। तृणमूल स्तर रे मेधा को विकसित करिवा पई भारत सरकार अधिक गुरुत्व देउथिबा एथिरु स्पष्ट हेउछि। पुनश्च छात्र छात्री मानकु स्वाभाविक भावरे विकसित हेबा पई सुजोग देबा तथा राष्ट्र गठन रे यथार्थ अवदान देबा पई सेमानकु प्रोत्साहित करिवा मध्य केन्द्र सरकारंकर लक्ष्य। विद्वान मंडली, इंग्रजी भाषा माध्यम रे दिया जायथिबा वैषयिक शिक्षा को अनेक छात्र छात्री बुझी पार नथिबा लक्ष्य करा जाउछि। सेथिपाई जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुजाई केन्द्र सरकार मातृभाषा रे वैषयिक शिक्षा देबा पई पदक्षेप ग्रहण करिछन्ति। पूर्वरु भारतीय भाषा गुड़िक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हेउ नथिला, एहा आम आगरे एक प्रतिबंधक सृष्टि करिथिला। एही प्रतिबंधक दूर करिवा पई AICTE प्रयास जारी रखिछि। AICTE तरफ इंग्राजी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करिवा एवं सेगुडी को विभिन्न भारतीय भाषा रे अनुवाद करिवा पई दक्ष लेखक मानंकु चिन्हट करा जायथिला। तत्परे एगुडी को विभिन्न वैषयिक संस्थार नामजादा शिक्षाविद मानंकु द्वारा समीक्षा करा जायछि। केन्द्र सरकार शिक्षा विभाग ए प्रकार सहयोग और मार्गदर्शन जोगु अनेक राज्य विभिन्न भारतीय भाषा रे शिक्षादान करिया पई शिक्षानुष्ठान गुड़िकर नाम सूचित करिछन्ति। एथिपई मु संपृक्त राज्य सरकार मानंकु धन्यवाद जणौछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 रे भारतीय आचार विचार उपरे आधारित एक शिक्षा व्यवस्थार परिकल्पना करा जायछि। भारत बर्षर रूपांतरण रे एपरि एक शिक्षा व्यवस्थार प्रत्यक्ष योगदान करि रहिबो। पुनश्च सेवा, समता और सहानुभूति परि नैतिक और मानवीय मूल्यबोध एही शिक्षा नीतिर मूलमंत्र। एतद्व्यतीत भारतीय भावरे
गर्व करिवा एवं भारतर उत्कृष्ट विविध और प्राचीन संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान प्रति आस्था रखिबार चिंताधारा मध्य एही शिक्षानीति अंतर्भुक्त। भारतीय चिंता चेतना तथा दर्शन रे सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य भावे विवेचित ज्ञान प्रज्ञा और सत्यर अनुसरण को मध्य एथिरे प्राधान्य दिया जाएछि। भारत को विश्वगुरु भावे पुनः प्रतिष्ठित करिवा पई आरंभ होइथिबा एही यात्रा रे आंचलिक भाषा गुड़िक विकसित होगा केवल जे सुजोग पाइबे ता नुहे युवपीढ़ी को उचित मार्गदर्शन कराइबारे सहायक हो। निकटरे होता अनेक गुड़िए अध्ययन जमापड़ी जे मातृभाषा पढ़ुता शिशु मान बौद्धिक विकास अन्य शिशु मान तुलन यथेष्ट अधिक। पुणी कमलमती शिशुटी जेतेबेले स्कूल जीवापाई आरंभ करे मातृभाषा माध्यम ही से स्कूल परिवेश सह सहजरे परिचित हुए फलरे घर जाई विद्यालय पाठ पढ़िबा तापाई सहज हुए। भाषा और संस्कृति अंगांगी भावे जड़ित अर्थात निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करिबा बेले पिलाटी निज संस्कृति विषय सम्यक ज्ञान अर्जन करिथाय। सुतरां भारतीय भाषा रे शिक्षादान व्यवस्था जोगु भारतर समृद्ध विविध संस्कृतिर प्रसार घटिबो एवं आम पिला माने विशेष करी आम युवपीढ़ी निज संस्कृति को नहीं गर्व अनुभव करिवे। प्रिय सुजन मंडली, शिक्षा होछि सशक्तिकरणर कारक। देशर प्रत्येक शिशु जेपरी सबु स्तरें शिक्षार सुविधा पाइबे ताहा आमे सुनिश्चित करिबा उचित। शिक्षा को प्रतिबंधक शून्य करिबा पाई आमको साध्यमते चेष्टा करिबाकु हेबो एवं आम कल्पनार परिसर को आहुरी व्यापक करिबाकु हेबो। मौलिक अधिकारर केही जेपरी वंचित न होंतु सेतिप्रति मध्य आमको ध्यान देबाकु पड़िबो। भाषा छात्र छात्रिंक पाई प्रतिबंधक न होई बरं सेमानंकर सामर्थ्य वृद्धि रे सहायक हेबा उचित। एक सुशिक्षित सचेतन एवं चलचंचल समाज गठन कर दिगरे आंचलिक व स्थानीय भाषा मानकर उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोर्स गुड़िकर प्रचलन दीर्घ काल जाए प्रभावशाली हो रहिबो। ओडिया एक प्राचीन और समृद्ध भारतीय भाषा, यहाँ स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा रही, यह एक शास्त्रीय भाषार मान्यता मध्य पाई। तेबे भारतर सबु आंचलिक भाषा उणा अधिके समान सामर्थ्य बहन करती। वर्तमान नूतन शिक्षानीति अनुसार सबु भारतीय भाषा को समान गुरुत्व दिया जाउछि। एहा भारतीय भाषा क्षेत्र रे एक नूतन युगर सूत्रपात होइछि। निज भितर एक वैज्ञानिक मनोभाव विकसित करिबा पई तथा आम प्राचीन ग्रंथ रे निहित ज्ञानर यथार्थता प्रतिपादन करिबा दिगरे कार्य करिबा निमन्ते आमे आम मूल को अक्षुण्ण रखा आवश्यक रही। आम वेद उपनिषद आदि प्राचीन शास्त्र ज्ञान विज्ञान गंताघर विश्ववासी आगरे यही ज्ञान विज्ञान सम्मत यथार्थ तथा उपयुक्त ढंग से परेषण उचित। भारतर समृद्ध अतीत अन्वेषण में गर्व करने कथा जातीय शिक्षानीति 2020 प्रतिफलित हो। प्राचीन भारतीय साहित्य रे केवल धर्म व आध्यात्मिक कथार उल्लेख नहीं, वाणिज्य ज्योतिर्विज्ञान प्रशासन भेषज विज्ञान समरकला रसायन शास्त्र आदि मध्य उल्लेख रही। ए सबू प्राचीन विद्या भारत को विश्व रे ज्ञान विज्ञान नेतृत्व नेबापाई सहायक हेबो। ओडिया शब्द भंडार प्राचुर्य विषय अनेक पंडित भाषाविद तथा साहित्यिक मानक ठारु मु सुनिछि, तेणु ओडिया भाषा रे वैषयिक शिक्षादान करिबारे असुविधा हेबो नाही बोली मु विश्वास करे। मो विचारे मातृभाषा प्रति सभींक भितरे गोटिए स्वाभाविक भल पाइबा थाए, एही प्रीति आहुरी स्पष्ट हेबा उचित। काही काही मो पिला बेले मु पढ़िथिली आउ जेते भाषा पारुछ शिख निज मातृभाषा महत्व रख। शुकर कथा मातृभाषा रे वैश्विक शिक्षादान प्रयास
प्रक्रिया आरंभ होता निश्चित भाव एक प्रशंसनीय पदक्षेप आम छात्र छात्री माने यार सुजोग नेबे बोली मोर आशा और विश्वास परिशेष रे मु पुणी थरे आपण मानको धन्यवाद जणे मो वक्तव्य सांग करछि। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ।